हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपको एक अपडेट देना था कि लैंडमार्क की लॉन्चिंग डेट आ चुकी है जो कि 6 अगस्त है। अगर कोई भाई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ, एक लैंडमार्क एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 81 के अंदर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ की लैंड के अंदर है। टोटल जो टावर है इसके अंदर 8 टावर है। मैं थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट डिटेल में बता देता हूँ। वैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, आप मैं उस उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन पड़ती है सेक्टर 81 के अंदर पड़ती है, न्यू गुड़गांव के अंदर। ठीक है, जो बंदा अगर न्यू गुड़गांव में रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, या जिन बंदे को नियर बाय न्यू गुड़गांव जॉब कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन अच्छी लोकेशन है। अगर जिस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है गुड़गांव की, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट आपको पड़ेगा अगर हम राजीव चौक से जाते हैं, राजीव चौक से टोल क्रॉस करने के बाद आता है वाटिका चौक, वाटिका चौक को क्रॉस करने के बाद आता है ये क्या नाम है इसका, वाटिका चौक के बाद आता है रामपुरा चौक। रामपुरा चौक से हम राइट हो जाएंगे, राइट होने पे नियर बाय 1.5 से 2 किलोमीटर चलने पे, नियर बाय 1.5 से 2 किलोमीटर चलने पे लेफ्ट में बेस्टेक के और DLF के फ्लैट्स आते हैं। थोड़ा सा आगे चलने पे चौराहा बनता है, चौराहे से हम हो जाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट जाके ये अपना प्रोजेक्ट आता है। अगर किसी बंदे को प्रॉपर लोकेशन देखनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देख के आप प्रॉपर समझ जाएंगे कि इसकी परफेक्ट लोकेशन कहाँ पे है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके टाइप की। ठीक है, यह है अपना टाइप 1 जो कि अपना 3 BHK है। इसका जो कारपेट एरिया है वो है 645 square feet कारपेट एरिया है। बालकनी दे रहे हैं 143 square feet बालकनी है। इसकी जो टोटल अमाउंट है 26,31,936 इसकी टोटल अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट है 1,31,597। टोटल यूनिट्स की बात करते हैं तो वो है अपनी 290, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं इसकी लेआउट की बात। ये है अपना लेआउट 3 BHK का, ये अपना लेआउट है, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये अपना 3D वर्जन है इसका। ठीक है, ये अपना 3D वर्जन है, बेस्ट आपको इसमें नज़र आएगा, इसमें आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये आप इसको पोज करके आप तसल्ली से देख सकते हैं। ठीक है, लेआउट इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन लेआउट है। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे जो कि अपना 3 BHK है। ठीक है, ये आ जाता है अपना टाइप 2। इसके अंदर अपनी कारपेट एरिया पड़ता है 644, बालकनी पड़ती है 152 square feet और इसकी जो टोटल अमाउंट है 26,29,440 rupees। बुकिंग अमाउंट 1,31,472 rupees। जो इसकी टोटल यूनिट्स है, इसकी यूनिट्स कम है और मेरे अकॉर्डिंग ये लेआउट बेटर है। ठीक है, बाकी आपका व्यू है देखने का। इसकी जो टोटल यूनिट है 142, ये है अपना 3D वर्जन, आप पोज करके आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेआउट है। अब हम आ जाते हैं टाइप 3 पे जो कि 2 BHK है। ठीक है, अपना इसके अंदर आ जाता है कारपेट एरिया 559 square feet का कारपेट एरिया है। बालकनी 106 की बालकनी है। टोटल अमाउंट 22,89,286। बुकिंग अमाउंट 1,14,465 rupees। टोटल यूनिट्स है इसकी 112। ये इसका अपना लेआउट है। ठीक है, और बेटर है, आप इसमें देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा भी लगेगा आपको देखने में। ठीक है जी, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप 4 पे। ये अपना 2 BHK है। इसके अंदर कारपेट एरिया है 566, बालकनी 124 square feet। टोटल जो इसका अमाउंट है वो है 23,16,424। बुकिंग अमाउंट 1,15,821। टोटल यूनिट 80। ये आ जाता है इसका लेआउट, आप इसको तसल्ली से पोज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह आ जाता है अपना टाइप 5। इसका जो कारपेट एरिया है, सॉरी ये अपना हाँ ये अपना टाइप 5 आ जाता है। यह है 3 BHK। इसके अंदर ना बालकनी काफ़ी बड़ी दे रखी है। इसका जो कारपेट एरिया है 645 square feet,
जो कि अफोर्डेबल के अंदर मैक्सिमम कारपेट एरिया होता है, जो गवर्नमेंट रूल कहता है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, और बालकनी भी 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर कोई बिल्डर देता है तो उसका चार्ज नहीं लेता है, बालकनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट रूल है वो 100 स्क्वायर फीट मैक्सिमम बालकनी दे सकते हैं, चार्जेबल है जो कि, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो कारपेट एरिया पड़ता है, यह अपना 3 BHK, कारपेट एरिया 645, बालकनी 338, बहुत ही शानदार बालकनी दे रखी है। इतने स्क्वायर फीट एरिया में तो 1 BHK लॉन्च कर देते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। टोटल अमाउंट की बात करते हैं 26,31,032 रुपीज, बुकिंग अमाउंट 1,31,552, ओनली 16 यूनिट्स। बहुत ही प्यारा लेआउट है, बहुत ही प्यारी बालकनी है, उसी हिसाब से बहुत ही कम यूनिट्स भी दिए इन्होंने, ठीक है जी। ये अपना लेआउट है, आप देख सकते हैं बालकनी कितनी अच्छी दे रखी है इसके अंदर, बहुत ही शानदार लेआउट है। अब आ जाता है अपना टाइप 6, ये अपना 1 BHK है, ठीक है। जितना अपना ये प्रॉपर 1 BHK है, इतने की ही लगभग उसमें बालकनी दी थी, ठीक है। इसका कारपेट एरिया 348 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, 85 की बालकनी है। अमाउंट की बात करते हैं तो 14,34,840 रुपीज, एंड बुकिंग अमाउंट 71,742 रुपीज, एंड टोटल यूनिट्स आर ओनली 45। ये अपना लेआउट है, 3D लेआउट आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टाइप 7 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कारपेट एरिया आ जाता है 398, थोड़ा सा ज़्यादा कारपेट एरिया, और एज अकॉर्डिंग टू द 1 BHK कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा है, मतलब 400 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 1 BHK मिल रहा है, बहुत अच्छा एरिया माना जाता है, ठीक है 1 BHK में। बालकनी की बात करते हैं तो 85 स्क्वायर फीट, टोटल अमाउंट 16,38,108, एंड बुकिंग अमाउंट इज 81,905 रुपीज, ओनली 9 यूनिट्स। तो दोस्तों ये हो जाती है अपना लेआउट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब आ जाता है पेमेंट प्लान। बुकिंग अमाउंट होती है जो 5% से अपनी बुकिंग अमाउंट है, विद इन 15 डेज आपको 20% पे करना पड़ता है, विद इन 6 मंथ आपको 12.5% और पे करना पड़ता है ऑफ टोटल अमाउंट, विद इन 12 मंथ 12.5, 18 मंथ 12.5, 24 मंथ 12.5, 13 30 महीने के अंदर आपको 12.5 देना पड़ता है, 36 मंथ पर आपको 12.5 देना होता है। कुल मिला के 4 साल के अंदर आपको कंप्लीट पेमेंट करनी होती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको 90% लोन अवेलेबल है, अगर आप लोन लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप 10 साल का लोन ले रहे हो, 5 साल का, 10 साल का ले रहे हो, कितने टाइम का ले रहे हो वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट प्लान बन जाता है। इसके अंदर 90% लोन अवेलेबल है। दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर सब्सिडी भी अवेलेबल है, 2.68 लाख की सब्सिडी मिल जाती है, 2.68 लाख की सब्सिडी मिल जाती है इसके अंदर, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। और बुकिंग करने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी बंदे को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, वो हमसे पूछ सकता है कि भाई कैसे बुकिंग करनी है, इसकी क्या प्रोसेस है। बाकी लोकेशन वाइज देखें, लोकेशन अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे पर हाँ अच्छी लोकेशन है, एप्रिसिएशन वैल्यू आपको अच्छी मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट की, ठीक है जी। टोटल अब ये देख लेते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये दो भागों में आ रहा है, जो दो टावर है एक उसका अलग पैच है, और टोटल जो 5 टावर है उसका अलग पैच है, टोटल टावर हो गए 8 टावर दे रखा है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर स्विमिंग पूल भी दे रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और एक कोर्ट दे रखा है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, इन दोनों में से एक है, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, पार्क का भी काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है इसके अंदर। जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर कार पार्किंग दे रखी है। आज के टाइम पे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में कार पार्किंग आना मीन्स एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, अगर हम पीछे जाते हैं, कोई सा भी प्रोजेक्ट उठा लो आप, सिग्नेचर का, पिरामिड का, MRG का, किसी में भी कार पार्किंग नहीं दी है। अभी जो लॉन्च हुआ था 106 के अंदर MRG, उसके अंदर कार पार्किंग आ रखी है, मतलब अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो कार पार्किंग के साथ लॉन्च हो रहे हैं, मीन इनकी अच्छी एप्रिसिएशन वैल्यू मिलने वाली है आपको इन फ्यूचर, अगर हम पुराने वाले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। बाकी आपको लोकेशन देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, 2-3 लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनको जाके प्रॉपर देख सकते हैं कि कहाँ से जाना पड़ेगा, लोकेशन पे कैसे पहुँचना पड़ेगा, आप उस वीडियो को देख के टोटली आप समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर बुकिंग करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप बुकिंग कर सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।